बदायूं में दोहरे हत्याकांड के दूसरे आरोपी जावेद को पुलिस ने बरेली से किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ के लिए जावेद का को लाया गया बदायूं। आदर्श आचार संहिता के चलते उत्तर प्रदेश में विकास कार्यों के लिए नए फंड नहीं होंगे जारी। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रणवा ने सभी जिलाधिकारियों को दिए निर्देश। मतदाता फोटो पहचान पत्र ना होने की दशा में प्रस्तुत कर सकते हैं वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज। मतदाता सूचना पर्ची को मतदान की पहचान दस्तावेज के रूप में नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ईसी की नियुक्ति से जुड़े कानून पर रोक लगाने से इनकार। कहा कानून की वैधता पर हम विचार करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से किया इनकार। अरविंद केजरीवाल ईडी द्वारा संभावित गिरफ्तारी से चाहते थे संरक्षण। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को। इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला। 23 अगस्त 2010 से पूर्व सहायक अध्यापकों की नियुक्ति मामले में सहायक अध्यापकों को राहत। हाई कोर्ट ने कहा जूनियर हाई स्कूल में प्रोन्नत करने के लिए टीएटी जरूरी नहीं। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में एक्सेसिबिलिटी हेल्प डेस्क का किया उद्घाटन। सभी नागरिकों के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच बनाने की दिशा में इस हेल्प डेस्क की हुई शुरुआत। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के बारे में फर्जी खबरों की पहचान करने के लिए प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की यूनिट बनाने वाली केंद्र की अधिसूचना पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये मामला अभिव्यक्ति की आजादी का है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के बाद से 2 लाख से ज्यादा लाइसेंसी असलहे जब्त किए गए हैं। वहीं अब तक 13 करोड़ से ज्यादा की नकदी जब्त की गई है। लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ यूपी में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन सुनिश्चित कराने में अब तक सार्वजनिक एवं निजी संस्थानों और स्थानों से कुल 20,86,614 प्रचार प्रसार सामग्री हटाई गई। राहुल गांधी के जाति जनगणना की मांग पर वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने उठाए सवाल। कहा जाति जनगणना बेरोजगारी और असमानता का समाधान नहीं। विकसित भारत वाले व्हाट्सएप मैसेज भेजने पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक। कहा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। राजधानी लखनऊ के किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में आज स्लीप समिट का आयोजन, जिसमें अनिद्रा के कारण होने वाली तमाम बीमारियों के बारे में विशेषज्ञों ने जानकारी प्रदान करी। और भारतीय जनता पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी कर दी है। के अन्नामलाई कोयम्बटूर से, तिमिसिल्लाई सौंदर्य राजन चेन्नई दक्षिण से और एल मुर्गन नीलगिरी से चुनाव लड़ेंगे। शामली जिले के इंडस्ट्रियल एरिया में दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम व ड्रग इंस्पेक्टर शामली ने नकली दवाई बनाने वाली फैक्ट्री का किया खुलासा। मुखबिर की सूचना पर की गई छापेमारी। इस बार कचनार के फूलों से बने गुलाल से होली खेलेंगे श्री रामलला। सीएसआईआर एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने कचनार के फूलों से बने खास गुलाल को तैयार किया है। और मथुरा के गोकुल में सजी धजी गोपियों ने बाल गोपाल के साथ खेली छड़ी मार होली। कान्हा के बाल स्वरूप को पालकी में बिठाकर निकाली शोभा यात्रा। और होली पर शत प्रतिशत ऑन रोड होंगी परिवहन निगम की बस से। भारी आवागमन को देखते हुए परिवहन की बेहतर सुविधा सुनिश्चित किए जाने की तैयारी। समस्त सक्षम चालक परिचालक लिया जाएगा संचालन का कार्य। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर आज मसाने की होली खेली गई। चिता भस्म से ये दुर्लभ होली काशी की प्राचीन पहचान है। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से लोग जुटे। लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाड़ी ने अयोध्या रामलला के किए दर्शन। खिलाड़ी मंदिर में 45 मिनट तक रहे। इस दौरान पूजा अर्चना की और फोटो खिंचवाई।